कैसे हैं बच्चों? कल सीएस एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट्स आए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। और बच्चों, मैं ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ अगेन, जिन लोगों ने अपना फाउंडेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया है और जिन लोगों ने सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अपियर किया था बट दे कुड नॉट क्लियर। दोनों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और बेसिकली ये वीडियो एक कोशिश करूँगा कि मैं आपको एक फुल प्रूफ सोल्यूशन दे सकूँ, एज अ टीचर मैं एक गाइडेंस दे सकूँ कि यार सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आप देखें, ओल्ड सिलेबस में काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, नए सिलेबस में हमारी क्लास से कुछ लगभग 40 लोगों ने एग्ज़ाम्स दिया था। तो 40 40 में से आई बिलीव 25 के आसपास जो लोग हैं वो क्लियर हैं। और ओल्ड सिलेबस में कुछ 100 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जिसमें से 55 लोग 50 या 55 लोग क्लियर हैं बच्चों। अब बच्चों, बात ये नहीं कि क्लियर कितने हैं क्लियर नहीं है, ये तो ठीक है अपनी जगह पे, बट मकसद ये है कि यार जो बच्चे क्लियर हुए हैं उनमें क्या था और आपने क्या करना चाहिए एग्जीक्यूटिव को क्लियर करने के लिए। सबसे पहली चीज़, अगर आप आज भी ये सोचते हैं कि यार सीएस जो है बहुत इजी कोर्स है और बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे हम, अपने लाइफ के सारे शौक भी पूरे कर लेंगे और सीएस क्लियर भी हो जाएगा, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि क्लासेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो अलग ही ब्रीड के लोग हैं, अगर वो 12-12, 15-15 घंटे बिना पढ़ाई के कर सकते हैं तो वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बट जो बच्चे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, मैं आपको बता दूं कि क्लासेस का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ ऐसे बच्चे, ऐसे कई होशियार बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार हम कर लेंगे, और स्पेशली वो लॉ के सब्जेक्ट्स में ऐसा लगता है उनको कि नहीं यार बहुत आसान है। बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार तो ऐसा हुआ है कि जिन बच्चों ने जितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं और उनके मार्क्स भी टोटल उतने ही आए हैं। ऐसे कई बच्चे थे जिन्होंने शायद कंपनी लॉ के सिर्फ 10 ही लेक्चर अटेंड किए और उनके मार्क्स आए 4। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत सिंसियरली एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड कीजिए, डू नॉट बंक योर लेक्चर्स। आपके 10-12 घंटे के जो भी लेक्चर्स हैं ईमानदारी से अटेंड कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक गलती जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी आईसीएसई से काफ़ी शिकायत की है मैंने, जो इंस्टीट्यूट हमारी जो गलती कर रही है वो ऐसी है कि फाउंडेशन का रिजल्ट लगाती है, फाउंडेशन के एग्ज़ाम लेने के 2 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद रिजल्ट लगाती है। बच्चों ये बहुत ही कायर बहुत ही बेकार हरकत है, इसके चक्कर में बच्चे क्या 2 महीने बर्बाद हो जाते हैं। और नए सिलेबस में इतने इंपॉर्टेंट है ये 2 महीने, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है जिन बच्चों ने एग्जीक्यूटिव का, वो उनको शायद पता होगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। तो 2 महीने, जिस दिन आपका फाउंडेशन का एग्ज़ाम ख़त्म होता है नेक्स्ट डे से क्लासेस स्टार्ट कीजिए, यू नीड क्लासेस। आपको सेकेंड ग्रुप के लिए सॉरी एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के लिए बच्चों आपको कम से कम 5.5 महीने की क्लास और कम से कम 3 महीने की सेल्फ स्टडी चाहिए विथ प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस, और आपको इन डेप्थ स्टडी करना है। प्लीज़, कई लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल से अगर पढ़ते हैं तो शुरू के 4 पेज अच्छे चैप्टर के अच्छे पढ़ते हैं, आखिरी का छोड़ देते हैं कि छोड़ दे यार नहीं करना है। बच्चों अब सीएस कोर्स वैसा नहीं हो गया, क्योंकि पहले ऐसा था कि पेपर्स ईजी आते थे, चेकिंग ईजी होती थी, बच्चे काफ़ी पास होते थे, 8-9-11-12% तक रिजल्ट आता था, बट अभी सिचुएशन वैसी नहीं है। तो अगर इंस्टीट्यूट बोलती है 10% रिजल्ट है तो 10% में आप समझिए कि 6% तो पुराना कचरा है जो पिछले 5 साल से 8 साल से चला आ रहा है, वो क्लियर हो रहा है। अगर जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं उनका परसेंटेज मुश्किल से 1% ही होगा। तो आप लोग यार, आप लोग सिर्फ, मैं एक ही चीज़ बोलूंगा यार, प्लीज़ अगर आप सीएस कर रहे हैं तो या तो आप सीएस करिए या फिर मत करिए, बीच में मत रहिए कि यार हम करेंगे नहीं करेंगे, होता है तो देखेंगे, नहीं होता है तो ठीक है क्लासेस बंक मारेंगे और लाइफ में बाकी चीज़ें भी करते रहेंगे। बच्चों नहीं, जिस दिन फेल होते हो ना उस दिन जितना टीचर उदास होता है, जितना टीचर रोता है उतना कोई नहीं रोता यार, क्योंकि हमारे इमोशंस अलग होते हैं यार। हमको जो पास हुआ है उसको सपोर्ट करना है, जो फेल हुआ है उसके साथ हमको हमको अपनी सांत्वनाएं उसे देनी है। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिए, अपने करियर को बहुत सीरियस लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपके साथ जब कोई नहीं होगा तब आपका करियर होगा, और करियर होगा तो बाकी लोग भी आपसे जुड़ जाएंगे। यू विल बी अ रिवर। रिवर पता है ना, जिस एरिए से गुजरती है उस एरिए में, उस एरिए को गुलजार करती हुई जाती है। आपकी भी लाइफ ऐसी हो जाएगी, आप जिससे जुड़ेंगे उसकी ज़िंदगी भी गुलजार हो जाएगी, प्रोवाइडेड आप ये कोर्स अच्छे से करें। और बहुत रिटर्न से मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ बच्चों, अब एक स्केड्यूल बनाए ना है अपने को। जो लोग क्लासेस कर रहे हैं उनको दिन में कम से कम 2 घंटे पढ़ना है, और 2 घंटे कब पढ़ना है, रात को एक तो हो जाएगा 9 से 10:30 रात को, अगर जल्दी सोते हैं आप, ट्रैवलिंग कम है तो आप 8 से 9:30 पढ़ सकते हैं, और सुबह का 1 घंटा है 4 से 5 या 5 से 6,
और ये क्लासेस के साथ आपको 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई रोज करनी है। और रोज क्या करना है, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना रिवाइज करना है, और नेक्स्ट डे जो पढ़ाया जाने वाला है वो मॉर्निंग में एक बार देख के जाना है। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है 6 महीने तक, 5 महीने तक, जब तक आपकी क्लासेस चल रही है। और संडे को पूरा क्यूमुलेटिव पढ़ाई करना है, संडे को मतलब जितना पूरे वीक में पढ़ाया गया है उतना आपको संडे को पढ़ाई करना है। जिन लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, जो लोग जून में दोनों ग्रुप देने की सोच रहे हैं या एक ग्रुप देने की सोच रहे हैं, भैया आपके पास तो कोई चॉइस नहीं है, आपको 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। यू हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 एंड यू हैव टू कम्प्लीट ऑल योर 10 आवर्स शाम को 5 बजे तक या 6 बजे तक आपको अपने पूरे 10 घंटे खत्म करने हैं। उसके बाद आप टीवी देखिए, टाइम पास करिए, रात को 10 बजे सो जाइए, बट मेहनत कीजिए। मैं बहुत जल्दी स्केड्यूल डालूंगा और अपने टेलीग्राम के ग्रुप में आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर डालने वाला हूँ, तो वो भी आपको शायद काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्जीक्यूटिव के लिए। लव यू सो मच, थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना।